If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए, जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडल सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ईबुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है, यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। देखो, मनी की मीनिंग समझने से पहले मैं आपको मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा। तो जैसे आप मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेंगे, आप अपने आप मनी की मीनिंग भी समझ लेंगे। इसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे आप हमारे साथ देख लेंगे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, साथ ही साथ यहाँ पे मीन्स ऑफ एक्सचेंज का एक वर्ड दिख रहा होगा और मेजर ऑफ वैल्यू का दिख रहा होगा और एक स्टोर ऑफ वैल्यू का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको हमारे साथ टोटल 1, 2, 3, 4 ये चार पॉइंट जो गाइस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीन्स ऑफ एक्सचेंज कह लीजिए, या फिर मेजर ऑफ वैल्यू या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, तो हमने पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो गाइस, मनी हर कोई एक्सेप्ट करता है। ठीक, आप अपने दुकानदार के पास भी चले जाओ, ठीक, वो भी आप उससे कुछ सामान ले लो, उसके बदले वो आपको पैसा मांगेगा। ठीक, उसको आप पैसा दोगे तो मनी को अपने पास रखेगा, कुछ भी आपको नहीं बोलेगा। तो मनी इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, चाहे वो बायर हो या फिर सेलर हो, एवरीवन विल एक्सेप्ट मनी, क्योंकि मनी को गवर्नमेंट ने अथोराइज किया। जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट है, उन सभी गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसे को अथोराइज किया। उन्होंने कहा है कि भाई इस पैसे की हेल्प से एक बायर और सेलर, मतलब सभी लोग क्या करेंगे, सब ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब पैसे को ही एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक, तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब जिसे आप चाहे बायर भी हो, सेलर भी हो या फिर कोई भी हो, हर कोई मनी को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अथोराइज करके दिया है। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी का। गाइस, सेकेंड मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब गाइस देखिए, आप कुछ भी सामान को बेचते हो या कुछ भी सामान को खरीदते हो, उसके लिए आपको हमेशा मीडियम मनी ही रखना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आप कुछ भी सामान बेच रहे हो, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, या कुछ भी सामान आप खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा क्या है, मीडियम है सेल और परचेस का। तो गाइस, जब भी आप कुछ भी चीज़ को सेल या परचेस करते हैं, तो कुछ भी सेल या परचेस करते हैं गुड्स या सर्विसेज को, मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप सेल या परचेस करते हो तो उसको मनी की मीडियम से करते हो। ठीक, और गाइस कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम कॉमन यूनिट से मेजर करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए 25 रुपीज़ का, चलिए इसको मत लीजिए, माउस का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए माउस जो है ये 425 रुपीज़ का मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। तो गाइस इस माउस की हेल्प से हम समझते हैं इस टॉपिक को, देखिए इस पॉइंट को। ये जो माउस है ये 425 का है। तो गाइस ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया। अब गाइस मैंने इसको छत्तीसगढ़ से क्या किया था, लिया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ से फ्लिपकार्ट की हेल्प से मैंने इसको मंगाया था। तो गाइस ये 425 क्या है, इस गुड की एक कॉमन यूनिट है। इसकी इस 425 की हेल्प से हम इस गुड को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो गुड्स है ये 425 रुपीज़ का, तो हम इसको मेजर कर पा रहे हैं क्योंकि ये 425 रुपीज़ का है। तो गाइस देखिए, अगर आप मुंबई के भी हो, मतलब मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ का मैं हूँ तो मैंने 425 का लिया, सपोज कीजिए आप महाराष्ट्र के हैं तो आप भी इसको 425 का लेंगे, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो आप भी इसको 425 का लोगे फ्लिपकार्ट से। ठीक, आप कोई भी स्टेट में हो तो गाइस आप इस गुड को किस में लोगे, एक कॉमन यूनिट में लोगे, जिसको हमने मेजर किया है 425 रुपीज़ में। तो गाइस एक मनी का सबसे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि जब भी आप कुछ भी चीज़ को बेचते हो या खरीदते हो, कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप बेचते हो या खरीदते हो, उसको पैसों की हेल्प में, पैसों की हेल्प से करते हो, मनी की हेल्प से करते हो, मनी का मीडियम लेके आप कुछ भी सामान को बेचते हो आप खरीदते हो। और गाइस उसका एक चीज़ ये रहता है कि जब भी आप कुछ भी सामान को बेचते हो खरीदते हो, तो उसको एक कॉमन यूनिट में आप क्या करते हो, मेजर करते हो। अगर मान लीजिए मुझे इस सामान को बेचना है 200 रुपीज़ में, तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉमन यूनिट डिसाइड कर दिया कि भाई इसे मुझे 200 रुपीज़ में बेचना है। ठीक, तो इसको जैसे मैं बेचूंगा तो मुझे 200 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर इसको आप खरीदोगे भी फ्लिपकार्ट से तो आपको 425 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक, तो उसके पहले आप क्या करोगे, 425 रुपीज़ दोगे। तो गाइस यही होता है मनी का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कहता है कि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसकी हेल्प से आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकते हो या खरीद सकते हो एक कॉमन यूनिट में मेजर करके। ठीक है, अब गाइस थर्ड हमारे पास है मेजर ऑफ वैल्यू।
तो गाइस देखिए, मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है, अभी तो हमने आपको बताया कि कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप कॉमन यूनिट में मेजर करते हो, ये तो हमने सिखा दिया। तो वही चीज़ हमने लिखा है, जब भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को आप कॉमन यूनिट में मेजर करते हो। तो गाइस ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है कि आप कुछ भी सामान को, कोई भी दो से या दो से ज़्यादा सामान को आप कंपेयर कर सकते हो। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्ज़ाम्पल के हिसाब से हम बताएं, तो मान लीजिए ये 10 रुपीज़ की पेन है, ये 3 रुपीज़ की पेन है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे की हेल्प से आपस में कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई ये 10 रुपीज़ की है, ये 10 रुपये की है, 10 रुपये का पैसा आपको देना पड़ेगा इस पेन को लेने के लिए, वहीं पे आपको 3 रुपीज़ मनी स्पेंड करना पड़ेगा इस पेन को लेने के लिए। तो गाइस ये कोई भी बंदे के लिए ईजी होता है कोई भी गुड को कंपेयर करने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि अब ये दोनों में कौन सा सस्ता हुआ, तो आप बोलोगे सर ये वाला सस्ता हुआ क्योंकि 3 रुपये का है, और ये वाला महंगा हुआ क्योंकि 10 रुपये का है, ठीक है। तो मनी की हेल्प से क्या कर सकते हो, कुछ कोई भी कमोडिटी को उसकी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिकम्स ईजियर, हमने लिखा भी है, इट बिकम्स ईजियर फॉर एनी वन टू कंपेयर प्राइस ऑफ टू कमोडिटी, जिसकी हेल्प से कोई भी बंदे के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि कोई भी कमोडिटी की प्राइस को मेजर, मतलब कोई भी कमोडिटी की वैल्यू को कंपेयर कर देता है उसकी प्राइस की हेल्प से, ठीक है। तो ये होता है गाइस मनी का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मनी क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का हम इसे ड्यूरेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो गाइस देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, तो देखिए गाइस कोई भी बंदा होता है ना, कोई भी पर्सन, उसकी गाइस दो डिज़ायर होती है, मतलब जनरली वो चाहता है कि मतलब वो एक चीज़ चाहता है और एक चीज़ नहीं चाहता है, ठीक। तो वो जो चाहता क्या है, कोई भी पर्सन क्या चाहता है, उनकी एक डिज़ायर ये होती है कि वो कोई भी वेल्थ है, ठीक है, उसके पास वो ज़्यादा आते जाए। मतलब जैसे गाइस वेल्थ क्या है, वेल्थ मतलब आपके पास कितना पैसा है। तो आपका पैसा किसकी हेल्प से मेजर हो सकता है, आपके पास घर कितने हैं, गाड़ी कितनी है, कितने जगह पे आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो सब कुछ जब आप टोटल कर दोगे तो आपकी वेल्थ पता चल जाएगी। तो हर पर्सन चाहता है कि उसकी वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जब आप कुछ भी वेल्थ को बाय करते हो तो गाइस उस वेल्थ को आप ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आप मान लीजिए आपने लैंड खरीद लिया, तो गाइस जब आप लैंड या प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो आपको पता है कि मैं इसे स्टोर करके रख सकता हूँ जब तक चाहूँ तब तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 10 साल, 20 साल, 15 साल या मोर देन 100 या पूरी लाइफ लॉन्ग, जब तक आप चाहे तब तक आप कोई भी वेल्थ को, जैसे लैंड प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ को क्या कर सकते हो, आप स्टोर करके रख सकते हो। आपको पता है कि गाइस जिस समय इस लैंड या प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी तो उसको मैं बेच दूंगा, उसके बदले मैं पैसा कमा लूंगा उस, है ना। मतलब मान लीजिए लैंड आपने 20 लाख का खरीदा, तो इसको आपने अपने पास रख लिया, ठीक है, बाय करके अपने पास स्टोर करके रख लिया। अब गाइस मान लीजिए इस लैंड की वैल्यू 50 लाख हो गई, तो आप क्या कर दोगे, इस 50 लाख मतलब लैंड की जैसी वैल्यू 50 लाख हो जाएगी, आप इस लैंड को बेच दोगे, उसके बदले आपको कोई बंदा 50 लाख रुपीज़ दे देगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस वेल्थ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हर पर्सन चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ आए, जो कि वो उसको बाय कर सकता है और उसको स्टोर करके रख सकता है, उसको चाहे तो कैश में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और गाइस एक सेकेंड डिज़ायर जो कोई भी पर्सन नहीं चाहता, वो क्या है कि गाइस कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि वो कुछ भी गुड्स को खरीदे, क्योंकि देखिए गुड्स जैसे मिल्क आप बाय करोगे, अगर गाइस आप मिल्क को ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर करके रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आपको पता, मिल्क को हम ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है या फिर स्पॉइल हो जाता है, ठीक। और गाइस इस खराब मिल्क को अगर आप कहीं पर बेचना भी चाहो तो कोई लेगा नहीं, वो बोलेगा अरे यार ये तो मिल्क खराब हो गया, इसका मैं क्या करूँगा। तो आप गाइस कोई भी गुड्स को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वेल्थ को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही होता है मनी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कि वेल्थ को आप स्टोर करके रख सकते हो, उसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फोर्थ पॉइंट है मनी का, जो आपको कहता है कि मनी क्या है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। मतलब मनी का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मैंने आपको दो डिज़ायर बताई, तो गाइस इस दो डिज़ायर को हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस को अगर आपको कोई एग्जाम से पूछ दिया तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कोई भी पर्सन के पास दो डिज़ायर होता है, पहली डिज़ायर वो चाहता है और दूसरी डिज़ायर वो नहीं चाहता, और पहली डिज़ायर ये होती है कि वो वेल्थ को बाय करके स्टोर करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरी डिज़ायर ऐसी होती है जो कस्टमर नहीं चाहता, कोई भी पीपल नहीं चाहता, वो क्या, कि वो गुड्स को बाय करके स्टोर करे, क्योंकि वो उस चीज़ को कर नहीं सकता क्योंकि खराब हो जाएगा और कैश में भी कन्वर्ट नहीं जाएगा। तो इससे हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आपको पूछ सकता है क्या है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो आप बता देना, ठीक। अगर फिफ्थ पॉइंट है जो मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि गाइस लिक्विडिटी, गाइस आप पैसे को इजीली मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज़ है तो आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम लिक्विडिटी कैसे, मतलब जैसे आपका एसेट, लैंड आपका एसेट है या वेल्थ जो भी कह लो, आपका बिल्डिंग, कार, ये सब क्या आपके लिए एसेट्स है। तो गाइस आप इसे जब मार्केट में बेच दोगे तो इसके बेचने के बदले आपको इजीली कैश मिल जाएगा। तो गाइस जो भी चीज़ आप
जब मतलब कोई भी एसेट जब आप उसको बेच के आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। और लिक्विडिटी का ये भी मीनिंग है कि जब कोई भी एसेट्स को आप कन्वर्ट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और जब उसकी वैल्यू और टाइम लूज ना हो, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक, तो गाइस मनी का फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि मनी क्या लिक्विडिटी मनी के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कुछ भी आइटम बेच दो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, कुछ भी एसेट्स बेच दो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। और गाइस पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। आज भी आप देखिए, आज भी आपको पैसा चाहिए, आप मान लीजिए बहुत मिडिल क्लास है, आज भी आपको पैसा चाहिए, आज भी आपके पास मनी की वैल्यू है। ठीक है, आप मान लीजिए कि रिचेस्ट पर्सन बन गए, मान लीजिए इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए, तो तभी आपको गाइस मनी की वैल्यू आपकी ज़्यादा ही रहेगी। मतलब आज भी उस समय भी अगर आप रिचेस्ट पर्सन भी बन गए, स्टिल यू विल नीड मोर मनी। जैसे अभी फिलहाल मुकेश अंबानी फर्स्ट पोजिशन में चल रहे हैं इंडिया में, तो गाइस आप देख सकते हैं वो आज भी काम कर रहे हैं क्योंकि उनको आज भी बहुत पैसा चाहिए। अगर गाइस कोई पर्सन सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन भी बन जाते, जैसे अभी जेफ चल रहे हैं अमेजन के CEO, ठीक, तो आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, बट स्टिल उन्हें और भी पैसा चाहिए। तो गाइस पैसे की वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती या लूज नहीं होती, क्योंकि पैसा सबको चाहिए होता है। ठीक, तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक मनी का ये है कि मनी क्या है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्योंकि आप मनी को इजिली मतलब कोई भी एसेट्स को आप मनी में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी ये चीज़ कि मनी की वैल्यू हमेशा रहती है और उसकी कभी भी वैल्यू लूज नहीं होती। अब गाइस सिक्स, मनी इज अ मीन्स नॉट एन एंड। गाइस ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनी क्या है, ये एक मीन है, एक एंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है कि मनी जस्ट अ मीडियम नॉट एवरीथिंग। देखिए गाइस मनी सिर्फ एक मीडियम है, मनी एक जरिया है कि जिसकी हेल्प से आप कुछ भी सामान को ले सकते हो, लेकिन पैसा हर चीज़ नहीं है। देखिए आज मान लीजिए कि आपको कार चाहिए, उसके पहले पैसा दोगे कार खरीद लोगे। कुछ भी चीज़ चाहिए, वैसे आपको फूड चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, आप पैसा दोगे सब चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन गाइस पैसा तो ठीक है, कुछ भी चीज़ को खरीदने के लिए एक मीडियम है। ठीक, मतलब मान लीजिए कि आप हो, आपको क्या करना है, कुछ भी चीज़ को खरीदना है, तो उसके लिए गाइस मनी क्या है, एक रास्ता, एक मीडियम, एक जरिया है जिसकी हेल्प से आप कुछ भी चीज़ को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। लेकिन गाइस मनी ही एवरीथिंग नहीं है। मनी क्या है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लव, आप क्या लव क्या पैसे दे के ले सकते हो? मैं ट्रू लव की बात कर रहा हूँ। ठीक, ट्रू लव आप पैसा दे के नहीं ले सकते। ठीक है, भले आप लाइक ठीक है शो ऑफ करके कोई भी मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद हो, ठीक है गर्लफ्रेंड बनाना हो या फिर बॉयफ्रेंड बनाना हो, तो ठीक है आप पैसा भी दिखाओ तो बन भी जाएंगे। लेकिन गाइस ट्रू लव के केस में ऐसा नहीं होता, ट्रू लव आप पैसा दे के नहीं ले सकते। ठीक, इसे और एक सिचुएशन से मैं आपको बताऊँ, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप डेजर्ट में हो, ठीक है आप रेगिस्तान में फंस गए हो, आप हो, आपके पास गाइस बहुत सारा पैसा रखा है, लेकिन दिक्कत क्या है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना चालू हो गया, आप थर्स्ट फील करना चालू हो गए, मतलब आपको प्यास लगना चालू हो गया, आपको पानी चाहिए, ठीक है आप बहुत प्यासे हो। तो गाइस उस रेगिस्तान में आपको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है, और लेकिन आपके पास पैसा है। लेकिन गाइस आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब आप डेजर्ट में फंस गए हैं, आपके पास पैसा भी भरपूर है, लेकिन क्या इस पैसे का कुछ काम आ रहा है? क्योंकि आपको तो पानी ही नहीं मिल रहा है, और आपको पता है कि पानी एक बहुत नेसेसरी चीज़ है। एक इंसान 30 दिन भी बस पानी पी के भी जी सकता है, लेकिन गाइस यहाँ तो आपको पानी नहीं मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि मनी क्या है, एक मीडियम तो है लेकिन ये सब चीज़ नहीं है। मान लीजिए आप इस सिचुएशन में आप क्या कर लोगे, पैसा तो भरपूर है पानी नहीं मिल रहा है, क्या कर लोगे क्या? ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मनी इज़ अ मेन नॉट एन एंड। मनी कोई भी चीज़ को खरीदने का एक जरिया है, एक मीडियम है, लेकिन वो सब चीज़ नहीं है। ठीक, तो गाइस यही चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो गाइस अब इसकी मीनिंग को आप देखिए, हमने सभी टर्म्स को पढ़ लिया। तो मनी समथिंग जिसके पास जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज होता है, मेजर ऑफ वैल्यू होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, सब मनी कहते हैं। और ये चीज़ को हमने आपको बता दिया कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। तो वो चीज़ को जब आप कंक्लूड कर लोगे तो वो क्या होती है, मनी होती है। अब गाइस मनी इज ऑल्सो कमोडिटी, ये आपको याद रखना है। और मनी काम क्या करता है, जो मनी करता है। ठीक, इसलिए एक तरीके से स्टेटमेंट होता है जो हम जनरली बोलते हैं। ठीक है, तो मनी इज वॉट मनी डज, मनी क्या है, जो मनी करता है। अब गाइस मनी क्या है, कमोडिटी भी है। देखिए गाइस हर चीज़ कमोडिटी है, पेन से लेकर हर चीज़ क्या है, कमोडिटी है। तो पैसा भी क्या है, कमोडिटी है। ठीक, मान लीजिए पेन कॉपी चेयर पेंसिल कार, ठीक है हर वो चीज़ क्या है, कमोडिटी है। तो पैसा भी क्या है, कमोडिटी है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी और कुछ नहीं है। तो मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब गाइस क्योंकि अब हमें आपको फंक्शंस भी बताना है, तो फंक्शंस तो बहुत ईजी है। देखिए फंक्शंस ऑफ मनी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड एजेंसी कंटिजेंट। तो गाइस हमारा प्राइमरी फंक्शन हमें क्या कहता है कि देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम। प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू का आता है, तो
तो गाइस प्राइमरी फंक्शन के अंदर ये जो भी चीज़ आती है गाइस, ये हमने पहले ही पढ़ के रखा है, आपने पहले ही हमारे साथ पढ़ के रखा है। देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हमने पढ़ के रखा है, मेजर ऑफ वैल्यू भी पढ़ के रखा है, तो ये प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर देखिए हमने स्टोर ऑफ वैल्यू भी आप सभी के साथ डिस्कस किया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी लिखनी है। अब गाइस सेकेंडरी फंक्शन में और एक चीज़ आ सकती है कि गाइस मनी जो है वो एक तरीके का डिफर्ड पेमेंट आपको प्रोवाइड करता है। देखिए मनी की हेल्प से आप कोई किसी को भी कोई भी पैसा दे सकते हो, या मतलब अगर आपको बोरो करना हो तो आप पैसा ले सकते हो किसी को, अगर आपको पैसा देना है ठीक है, हेल्प करना, तो आप उन्हें लेंड कर दो, मतलब पैसा भी दे सकते हो। तो मनी का सबसे सेकेंडरी फंक्शन ये भी आता है कि मनी क्या कहता है, फैसिलिटेट्स करता है बोरोइंग या लेंडिंग। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप मनी की हेल्प से पैसे को ले सकते हो, और अगर आपको किसी को देना है कुछ भी चीज़ तो आप पैसा भी दे सकते हो ठीक। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर इस थर्ड पॉइंट है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन में ट्रांसफर ऑफ मनी। मनी का सेकेंडरी फंक्शन ये है कि मनी क्या है, ट्रांसफर ऑफ मनी भी है। आज आपको पता है कि गाइस हम कुछ भी चीज़ को, पैसे को हम आज इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर ठीक। जैसे आप गूगल पे, पेटीएम, NEFT ठीक है, जिसे आप कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो हमने पढ़ के रखा है क्लास 11th में, हमने आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ा के रखा है ठीक। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो गाइस ये सारी चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसकी हेल्प से आप किसी को भी पैसे की हेल्प से पेमेंट कर सकते हो ठीक। मतलब इसकी हेल्प से आप किसी को भी पैसा दे सकते हो। तो मनी क्या है, ट्रांसफर ऑफ मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि वो ट्रांसफर ऑफ मनी, कि मनी को आप इजीली कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस मीडियम, जैसे NEFT, गूगल पे, पेटीएम और भी अलाना फलाना बहुत सारे चीज़ होते हैं, नेट बैंकिंग ठीक है। अब इस एजेंसी कंटिजेंट का भी एक फंक्शन आता है कि मनी क्या, बेसिस ऑफ क्रेडिट। मनी अगर आपको किसी को कुछ भी चीज़ उधारी देनी हो तो आप पैसा देके उस चीज़ को कर सकते हो। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, गाइस देखिए पैसे की हेल्प से आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि गाइस ये 10 रुपीज़ की पेन है, ये 3 रुपीज़ की पेन है, तो गाइस ये भी क्या हमारे एक रिसोर्सेज है। देखिए ये क्या मेरे रिसोर्सेज है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं आपके लिए कंटेंट लिख पा रहा हूँ, तो ये भी क्या मेरे रिसोर्सेज हैं। तो गाइस इस रिसोर्सेज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मनी, ये 10 रुपये का है, ये 3 रुपीज़ की पेन है। तो गाइस अब हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। हमें अब पता है कि 10 रुपये का है तो ये महंगा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, मतलब ये सस्ता है, इसकी वैल्यू कम है ठीक। तो ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने मनी की हेल्प से आइडेंटिफाई किया। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, और मनी की हेल्प से हमने क्या कर दिया, अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये 10 रुपये का है, ये 3 रुपये का है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि आप कुछ भी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी, जिसकी हेल्प से हम उसका वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। वैस बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो गाइस मनी से बहुत ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, आपकी वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा अवॉइड होती है। क्यों, देखिए गाइस जहाँ भी आपको पैसा लगता है ना, जहाँ भी आपका पैसा लगता है, तो गाइस वहाँ पे कोई भी इंसान सतर्क हो जाता है कि यार यहाँ पे तो मेरा पैसा लगा है, मुझे इस चीज़ से आउटपुट चाहिए। अगर आपने कहीं भी पैसा लगाया तो आप सोचते हो कि यार मैं यहाँ पे तो पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए, चाहे वो कार ले रहे हो, चाहे एजुकेशन ले रहे हो, कुछ भी चीज़ ले रहे हो, चॉकलेट से लेकर हर वो चीज़, जहाँ भी आपको पैसा लगाते हो तो आपको, आप चाहते हो कि भाई मुझे उससे बहुत अच्छी सी यूटिलाइजेशन मिले ठीक है। तो ये हो जाता है एजेंसी कंटिजेंट, जो कि मनी का फंक्शन है। अब गाइस मनी का जो एजेंसी कंटिजेंट के अंदर एक आखिरी फंक्शन आता है लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी को भी हमने समझ के यहाँ पे रखा है ठीक। तो होपफुली गाइस आज आपने मेरा मीनिंग समझा, कैरेक्टरिस्टिक समझा, फंक्शंस ऑफ मनी भी सीख लिया। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ई बुक को लेनी होगी तो पढ़ाई बटन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। हमारी व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के बीच में आप देख सकते हैं मिल गया होगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप में भी PDF ले सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, हर वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। एक नोट्स PDF प्रोवाइड करके देंगे, जहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, CBSE में आ चुके क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, हर वो चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी ठीक है गाइस। थैंक यू, बाय।